गाइस अभी का सीन ये है, घर से बोनी मशीन में बीज भर के हम आ गए हैं खेत पर और एक दो फेरे लगा के भी देख लिए हमने और बोनी मशीन को अच्छे से सेट कर लिया है। तो सोनाली का बीज चल रहा है, मेरे दादाजी कहीं बाहर से अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर से ड्राइवर लेके आए हैं। उन्होंने कहा तू मत चला, ड्राइवर चलाएगा, तो हाँ वो चला लेगा, अगर मैं चलाता तो शूट भी नहीं कर पाता। अच्छा है वो चलाएगा तो मैं शूट कर पाऊँगा अच्छे से। तो दो फेरे लगा के देख लिए हैं, अच्छे से सेट कर लिए मतलब वॉशिंग मशीन को और अब चला रहा है वो। चल रहा है सोनाली का। के बाजू में महिंद्रा 275 चल रहा है अपना, मतलब खेत वाले का, दूसरे वाले का, अपना तो क्या, अपना तो सोनाली का चल रहा है। तो पत्थर रख देते हैं यहाँ पे कोर्ट पर, फिर चलते हैं अपन बोनी मशीन के पास में। 15 मिनट के सफ़र में ये रख दिए मैंने कोर्ट पर पत्थर, और सोनाली का की भी सिर्फ ये आड़ी आड़ी दे रहे हैं और इसने भी पूरे खेत में बोनी कर दी है पूरे खेत में, और इधर ही आ रहा है वो। गाइस पूरे खेत में बोनी कर दी है सोनाली का, खेत से बाहर निकाल लिया है और अब चलते हैं सीधा घर पे। गाइस घर पे जाके खाना वाना खा के वापस से आ चुके हैं बोनी करने दूसरे खेत पर, और मैं खाद फेंक रहा हूँ इसलिए गंदा हो गया हूँ, और सोनाली का चल रहा है मेरे पीछे। वो आवाज़ देखो आप, रुक गया क्या? अरे बीज बीज चेक कर रहे हैं कितना गहरा है कितना ऊपर है, ऐसे चेक कर रहे हो। अपन भी खाद हाथ फेंक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाद फेंक दिया मैंने, अब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया हूँ और लगभग बोनी भी हो गई है, ये इतना सा खेत रह गया है सिर्फ, और आड़ी है इसके और सोनाली का भी आ रहा है।
गाइस घर पे पहुंच चुके हैं सोनालिका को लेके, और थोड़ा गंदा हो रहा हूँ तो अपन नहाएंगे धोएंगे। उससे पहले बोनी मशीन में थोड़ी सोयाबीन है, कुछ इतनी सोयाबीन है इसमें, इसको खाली करके अपन चलेंगे सीधा यार्ड पर सोनालिका को खड़ा करने। तो गाइस पहुंच चुका हूँ यार्ड पर, और बची कुची सोयाबीन को हमने खाली कर लिया था बोनी मशीन में से, वो खड़ा है सोनालिका और मैं भी ना लिया हूँ। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।